यह खबर यूपी के बलिया से, जहां दुभल थाना क्षेत्र के ओजबलिया गांव में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम मृत्युंजय तिवारी है और वह कॉस्मेटिक की दुकान चलाता था। वारदात के वक्त वो दुकानदार से वसूली करके लौट रहा था, तभी कुछ लोगों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। परिवार वाले उसे घायल हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरे बच्चों को चाकू मारा गया है, ऊँचा गुजा गया है। हमको घर पर हम थे, मालूम हुआ तो हम दौड़ करके गए। उन लोगों ने जो भी करना था कर दिए थे। वो अपनी गाड़ी उड़ी छोड़ करके भाग गए हैं। उसी गाड़ी से मैं बच्चे को उठा कर लाया हूँ, और ये सोच करके कि इमरजेंसी में पहले दिखाएं क्या मामला है, जीवित है नहीं है। यहाँ आने पर उसको मृत घोषित कर दिए डॉक्टर साहब। ग्राम ओजबलिया थाना दोहड़ जनपद बलिया क्षेत्रांतर्गत मृत्युंजय तिवारी पुत्र मनोज तिवारी उम्र लगभग 22 वर्ष की हत्या आपसी विवाद के कारण चाकू मार करके की गई। मौके पर फॉरेंसिक टीम व उच्च अधिकारियों के द्वारा भ्रमण किया गया। मृतक के पिता मनोज तिवारी के द्वारा तहरीर थाने पर प्राप्त हुई है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।